कितना बिल मिलेगा अभी मतलब आज ही डाल रखे मैंने 20% डेढ़ करोड़ काम लिया वो मारी इच्छा है तू थारी चौकाई भी कर हां थाना थाने कमाई कमाई नहीं कमाई मने कई यहां का सब जानो मु हिस्ट्री पूरी सीओ है नहीं है सूरजमल है नहीं है कोई अकाउंटेंट नहीं है कोई सही बात नहीं तो भी लेगा ली पापो लेगा तो भी लेना पड़ेगा ली पापो मु कीरो थाने यूं जाओगा कि नहीं करोगा लिपापो दिन जाऊंगा मैं हमारे कहीं करने वाले लिपापो दीजिए कहीं उनके बाद बली थी काम कराओ या मत कराओ उनके बाद कहीं चलो लिपापो जो अगर आज दिन तो नहीं ना तो मुकरो या तो थोड़ी लगे या मुनी लूंगा सही बात है समझ में नहीं हो मैं तो इलाज चाहिए तो मुकरी दो कर ही दो यार कहीं कर ही दो था घटा कर ही दो इलाज मान लो भी तो इलाज कही ज्यादा कही करोगा पर दी अटे इलाज कर ही दोगा मन पचे अटे इलाज नहीं अटे इलाज कर ही दोगा देखे साहब गांव में कही पचे कही करोगा करे बाना पड़ो चलो मतलब लड़ाई करना चाहिए थी लड़ाई करना चाहिए मारो करो मान ले तो लड़ाई कही बात नहीं लड़ाई बेन तो आज मारे ले बोल रे लड़का मार बॉडी पे कराओ से कि भाई तू तीन काम ही लेना दो काम दूसरे को तो मैंने साथ देखा ही नहीं भाई मैं मेरा काम करूंगा पांच काम निकल पांच ही लूंगा मैं क्या ऑनलाइन टेंडर में भी ऐसे सेटलमेंट कर सकते हैं क्या ये लोग देखो ना कर रहे हैं आपके सामने ही दादागिरी से वो वीडियो बनाया वीडियो जो मैंने वायरल किया उसमें देखो ना आप कैसे दादागिरी कर रहे हो कुल मिला के सरकार की जो ऑनलाइन पद्धति उसका कोई मतलब नहीं मतलब नहीं उससे और क्या भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है क्या नाम है आपका नरेश माली फर्म का नाम नेता कंस्ट्रक्शन नेता कंस्ट्रक्शन आपके तो मारपीट वो किसने करी कौन कौन थे उसमें एक तो अध्यक्ष थे ना वो दो चार पांच आदमी कोई नेता लोग ही थे उनका चेहरा कभी हमने देखा नहीं किससे संबंधित थे वो युवा युवा मोर्चा के लग रहे थे वो युवा मोर्चा को बता रहे थे कि मैं जिला अध्यक्ष का भाई हूँ कोई क्या बता रहा कोई कोई बता रहा वो बोले आज तुम्हारी टांगों सलामत नहीं जाएगी यहाँ से मारपीट करी आपके साथ धक्का तुम किया उसके बाद थाने के बाहर बोलते कि तुम यहाँ से कैसे जाओगे तो फिर दरोगा जी ने उनको बोला कि तुम यहाँ इतनी धमकी दे रहे हो तो वहाँ क्या दे रहे होगे तो दरोगा जी ने बोला कि सब बाहर निकलो कोई कार्रवाई हुई क्या हुआ वहाँ से तो हम कुछ कार्रवाई कर नहीं पाए उसके बाद दूसरे दिन बोलता रहा हूँ कलेक्टर साहब कमिश्नर साहब सबको हमने एक एक लेटर दिया और एक सीडी दी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ठीक है आज आप किससे मुलाकात करने आज एफसी साहब से मिलना आया हूँ स्पेशल के उन उस दिन आया था तो उस दिन मिल नहीं पाया था मैं प्राप्ति लेके चला गया था और मिसेज की तबीयत खराब थी दो चार दिन से भी मैं घर पे व्यस्त हूँ इसलिए मैं आज मिलना आया हूँ ठीक है ओके कि मैं कौन होता हूँ लिफाफा लेने वाला उसके लिए सीएमओ और ऑफिस है लेकिन बात यह है सत्य पूरा वीडियो उसके पास अगर है तो बताए सत्य उसमें आ जाएगी वो आयू था कि वो आया हो बोला लिफाफा अगर मैं नहीं डालूँ तो 20,000 रुपये मेरे को दे दो और ऑलरेडी मैं 13,000 रुपये उसको पर्सनली मांगता हूँ मैंने यार एक गिट्टी के सामान के पैसे उसको दिलाए थे इसलिए उसी दिन और फिर वो आवेश में आके और मेरे साथ यहाँ पे आके गाली गलौज करने लगा और मेरे को धमकाने लगा जिसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट की है दिनांक 6/3/2018 मैंने कंप्लेंट की है उसके जिसने उसने मेरे साथ जो मारपीट की थी उसी भाई सब जो वीडियो आया है उसमें स्पष्ट तौर पर देख रहा है आपके द्वारा ये कहा जा रहा है उससे तुम्हारा ना सीएमओ लेगा ना कोई कर्मचारी अगर कोई ले लेता जाए तो तुम नहीं रहोगे हम नहीं रहोगे इस तरह का वीडियो है ऑडियो नहीं वीडियो है सर पहली बात ये मेरे पास आया क्यों मैं कौन होता हूँ लिफाफा लेने वाला या नहीं लेने वाला भाई मैं तो नहीं होना था उसके लिए परिषद के अंदर आया है और परिषद में आपके द्वारा उससे ये बात कही गई है वीडियो में तेरा अगर कोई भी टेंडर का लिफाफा ले लेता है या तो तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूँगा नहीं उससे मेरे को नहीं मतलब कोई कौन सा वीडियो है मैंने देखा नहीं है क्या पता फेक है राइट है ये जांच का विषय है लेकिन मेरे साथ जो घटना हुई उसका मेरे पास प्रूफ है और इसकी जांच चल रही है अभी इसमें पुलिस जांच कर रही है घटना के बाद एक ऑडियो भी उन्होंने बताया है तो ऑडियो के अंदर आपके द्वारा ये कहा गया मैंने पहले भी कई टेंडर तेरे को इसी तरीके से दिलाए हैं तब भी दूसरों को रिटर्न कराया जब ऑनलाइन पद्धति है तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं नहीं ऐसा कोई मैंने नहीं बोला मेरे क्या मतलब ऑनलाइन पद्धति में वैसे भी नहीं होता है अध्यक्ष जी बताएं जिस तरह से आपके द्वारा कुछ आरोप लग रहे हैं कि उनको टेंडर नहीं करने दिया जा रहा है तो इसी बात क्यों हुई कि क्या क्या प्रॉब्लम लगे नहीं नहीं इसमें यह है कि 70 मटर रोड पहले का बाकी है उसने काम किया नहीं और वो काम पूरा करता नहीं तो मैंने कहा यार तुम काम करते नहीं हो पूरा काम पहले भी बाकी रखा है आपने तो आप पूरा काम करो तो बोले चलो टेंट के मेरे को 20,000 रुपये दे दो मैं चला जाता हूँ इस प्रकार की 20,000 रुपये लेने के चक्कर मैंने कहा 13,000 रुपये पहले मांगता हूँ मैंने आवेदन में लिखा है 13,000 पहले पर्सनली मांगता हूँ वो मांगे तो वो गर्म होने लगा और दादागिरी करने लगा ये आपका मानना है कि ट्रेलर ने पहले भी अधूरे काम छोड़ दिए हैं और आगे वो टेंडर नहीं बदले जी जी इसलिए समझाया था मैंने रिक्वेस्टली बोला था उनको यार साहब आपका नहीं कर पाओगे इसलिए आप मत करो ये बोला था उनको
ठेकेदार का कहना है कि आपने युवा यानी कि युवा के मोर्चा के द्वारा भी उन किसी के साथ मारपीट करवाई, बाहर से जो उनके वो फुटेज डिलीट किया गया मोबाइल में, जो और वीडियो भी थे वो भी डिलीट करा गया आपके द्वारा, तो उन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं की उस दिन? आप अध्यक्षपति हैं और उसके बाद एक निशासन का सरकार का एक नियम आया है नया कि कोई भी पति नगर परिषद में आके किसी भी काम में दखल नहीं दे सकते, उसके बाद आपके द्वारा दखल भी देकर दिया? नहीं नहीं, मैं माननीय विधायक जी का प्रतिनिधित्व करता हूँ और गांव में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ये उनकी दृष्टि से और मेरी दृष्टि से भी देखना जरूरी है कि क्या है क्या। विधायक जी क्या प्रतिनिधित्व करते हो? विधायक प्रतिनिधि हूँ मैं नगर परिषद में। सरकार के द्वारा प्रतिनिधित्व का काम खत्म, प्रतिनिधित्व खत्म कर चुकी है, विधायक अपने प्रतिनिधि नहीं बना सकते हैं? लेटर दे रखा उन्होंने, सांसद जी का प्रतिनिधि है वो, सब तरफ नगर पालिका सब तरफ लेटर दे रखे। क्या नाम बताओ आपका? सुरेश जाट।